बाबा महाकाल की शाही सवारी की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन एवं उच्च शिक्षा मंत्री ने बैठक रखी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ श्री महाकालेश्वर भगवान की शाही सवारी के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में सांसद अनिल फिरोजा वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, नगर निगम आयुक्त सतीश सिंघल, एडीएम एवं मंदिर प्रबंध समिति प्रशासक नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, अपर कलेक्टर एवं यूडीए सीईओ एसएस रावत, अपर कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान, विवेक जोशी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी वर्तमान में निकाली गई सवारियों के ही अनुसार परिवर्तित मार्ग से निकाली जाएगी। पुजारी एवं कहारों के माध्यम से सवारी भव्यता से निकाली जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण आमजन सवारी में नहीं रह सकेंगे। सवारी में पुलिस बैंड अपनी सेवा देगा। अगले सप्ताह से भस्म आरती में दर्शनार्थियों को क्षमता का 50% प्रवेश दिया जाएगा। मंत्री मोहन यादव ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि भस्म आरती में दर्शनार्थियों का गर्भगृह एवं नंदी हॉल में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। भस्म आरती में प्रवेश ऑनलाइन बुकिंग से ही रहेगा। सवारी के लिए निर्णय ये लिया गया कि जो शाही सवारी अभी हमारी जो पुरानी जो गरिमा के साथ निकलती थी, पुलिस बैंड रहेंगे सारे, अभी तक के जो उनके मुगोटे और जो पीछे के रथ वगैरह वो निकलेंगे, लेकिन मार्ग का जो अभी जो निर्णय किया है वो कोविड के जो ढंग से केस आ रहे हैं, इसलिए उस दिन सोमवती अमावस्या हो गई तो दो त्यौहार हो गए, तो ये रिस्क ना उठाते हुए अभी उसका मार्ग वही रखेंगे। लेकिन भगवान की जो हमारी परंपरा है जिस आधार पर वो निकलती थी, उस व्यवस्था के आधार पर हमने वो सब प्रबंधन करने का प्रशासन को निर्णय दिया है। हम सबका सौभाग्य, बाबा महाकाल की भस्मारती लगभग 2 वर्ष से बंद थी, लेकिन आज हमने जिला प्रशासन के साथ में बैठक की और बैठक में निर्णय किया। हमारे साथ माननीय वरिष्ठ विधायक पारस जैन साहब, नगर जिला अध्यक्ष, सभी जिला के प्रशासनिक अधिकारी, हम सब ने निर्णय किया कि हमारे बीच में पूरे देश के माहौल के आधार पर अगर निर्णय लें तो अब हमको धीरे धीरे जब स्कूल भी खुल गए तो अब भस्म आरती के लिए दर्शन भी खोलना चाहिए। और यही कारण है कि अभी हमने अपनी आज एक सप्ताह के अंदर भस्म आरती पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। बाबा महाकाल की भस्म आरती में जो दिन में दर्शन चल रहे थे, अब उसके बजाय भस्म आरती की पूर्व बुकिंग के आधार पर निर्धारित, अभी कोविड के कारण से 50% संख्या के आधार पर हम ये दर्शन व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रोटोकॉल व्यवस्था से दर्शन करने वाले प्रत्येक दर्शनार्थियों को 100 रुपए की रसीद कटवानी होगी। आने वाले समय में प्रोटोकॉल व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। विभिन्न धार्मिक पर्व मनाने के लिए पूर्व की भांति कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सभी प्रकार के धार्मिक जल समारोह, जुलूस, रैली इत्यादि प्रतिबंध रहेंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक समारोह का आयोजन नहीं होगा। इस तरह के आयोजन केवल धार्मिक स्थानों परिसर के अंदर किए जा सकेंगे। कोविड के कारण 16 मार्च 2020 से कोविड प्रोटोकॉल के कारण हम लोगों ने प्रतिबंधित कर रखी थी। आज की समिति की बैठक में भस्म आरती को पुनः प्रारंभ करने, आमजन के लिए प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में जो दर्शनार्थी हैं वो केवल गणेश मंडपम और कार्तिकेय मंडपम में ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सम्मिलित हो सकेंगे। इसमें मंदिर समिति कोविड प्रोटोकॉल का और तदनुसार संध्या का पालन कराएगी। जहाँ तक प्रश्न गर्भगृह का है या नंदी हाल का है, तो चूंकि वो कंजस्टेड स्थान है, ऐसी स्थिति में वहाँ किसी भी आम श्रद्धालुओं का जाना प्रतिबंधित रहेगा। शाही सवारी को लेकर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने आला अधिकारियों की बैठक ली। यहां कलेक्टर ने शाही सवारी में व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। समिति में निर्णय लिया गया है कि 11 तारीख से 11 सितंबर से भस्म आरती पुनः चालू करी जाएगी और शुरुआत में केवल 1000 लोगों के साथ में भस्म आरती शुरू की जाएगी, क्योंकि लगभग 2000 का हमारे पास में वहाँ पर स्कोप है बैठाने का, जिसमें 50% का ही अभी हम लोगों को यूज़ करना है कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए। और इसमें से कुछ व्यवस्था जो है ऑनलाइन की रहेगी और ऑफलाइन के लिए हम लोग केवल 150 की व्यवस्था रख रहे हैं और उसके लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑफलाइन में लिया जा सकता है उसकी रसीद। बाकी पूरी व्यवस्था जो है ऑनलाइन या जो कुछ पुजारी पुरोहित या प्रोटोकॉल वाला मामला होता है उसके तहत रहेगी।
ऑनलाइन जो व्यवस्था है हमारी उसमें पारदर्शिता रहे, उसमें जो शिकायतें आती है वो ना आए, इसके लिए आगामी 7 तारीख को सुबह 10 बजे पोर्टल ओपन किया जाएगा और बस मारुति की बुकिंग ऑनलाइन चालू होगी और पूरे 1 महीने की बुकिंग हम लोग खोलेंगे। आगे फिर एक एक दिन की बुकिंग जो है वो 1 महीने की खुलती रहेगी, जिससे कि पूरी पारदर्शिता रही रहे और जो बाहर के लोग हैं उनको भी अगर बुकिंग करानी है, आगे की प्लानिंग कर ली है, वो लोग भी कर लें, क्योंकि कई सारी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि बुकिंग कुछ लोग करा लेते हैं, बाद में उसमें खरीद बिक्री का काम करते हैं। इसलिए पूरी पारदर्शिता रखते हुए पहले से ही हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि 7 तारीख की सुबह 10 बजे से हम लोग बुकिंग चालू करेंगे, पूरे 1 महीने की बुकिंग चालू करेंगे और 11 तारीख से बस मारुति प्रारंभ होगी।